Hi learners, this is Alisha Mahajan from Money Academy. Hope you are doing well. In this lecture video, I'll be covering the important points of cost of capital. So cost of capital क्योंकि एक easy सा chapter है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा detail में नहीं करेंगे. Easily इसको solve कर लेंगे कि basically इसी lecture में मैं आपको खत्म करवाने की कोशिश करूँगी कि what it is all about. So basically cost of capital की जब हम बात करते हैं, तो होता क्या है? जब आप देखते हैं 10% डिबेंचर्स, 5% प्रेफरेंस शेयर्स, सो इसके आगे जो 5% और 10% दिया होता है ना, ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में हम बात करें, देखो ऑनर को अपना काम करवाना है. कैसे काम करवाना है? इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पैसे रेस करने हैं, पैसे रेस करने का ही काम है ना. सो जब वो डिबेंचर्स होल्डर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना. सो वो मिनिमम रेट, जैसे यहाँ पर 10% लिखा हुआ है, यहाँ पर 5% लिखा हुआ है, जो डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है किसके बदले? कैपिटल के बदले. कैपिटल क्या है? क्योंकि कैपिटल का मतलब सिंपल शब्दों में होता है अमाउंट इन्वेस्टेड in a business. Amount invested in a business. So जब amount invested in a business, कौन कर रहा है amount यहाँ पर invest? Debenture holders, preference share holders. उनके साथ जो percentage लगी होती है, उनको pay करना पड़ता है. कोई free में थोड़ी काम करता है. आजकल तो सगे भाई बहन भी free में काम नहीं करते. So रिश्वत देनी पड़ती है. So it means जो extra यहाँ पर 10%, 5% लिखा होता है ना, वो उनकी cost होती है. उनका पैसे देने का रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिविडेंड होता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड. इक्विटी वालों को क्या मिलता है? डिविडेंड. बाकी सबके लिए हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट. सो ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और ये जो मैं इतने पैराग्राफ्स है ना, जिन्होंने डिटेल में पढ़ना है, वो इनको साथ में थियरी पढ़े. और हाँ, तो दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, सो इम्पोर्टेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या है? देखो बजट में काम आएगा, हमें पता चलेगा ना कि कितना बजट बनाए ताकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को उनको पे कर दे स्ट्रक्चर डिसीजन में. अगर हमें पता लगे यार डेट तो बहुत महंगा है, हमने नहीं इतना सारा डेट लेना, ये तो 20% डिमांड कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर के ऊपर भी ये फर्क डालेगा. स्ट्रक्चर क्या होता है? कितना डेट का प्रपोर्शन ले और कितना इक्विटी का प्रपोर्शन ले, यही होता ना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. तो इसमें भी हमें पता लगेगा. एक्सपैंड करना है प्रोजेक्ट की नहीं करना है, इसमें भी हेल्प आएगी. मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए भी हेल्पफुल होता है, और भी बहुत सारे एरियाज है. ये नहीं हमने करना, हमने बेसिकली क्या करना है यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की टाइप्स ऑफ कैपिटल हमें पता होनी चाहिए. सो फर्स्ट हमारी आप टाइप देख रहे हैं अपनी अपनी स्क्रीन पर, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब देखो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है पर यूनिट हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आती है. यहाँ पर यूनिट क्या है? सोर्स ऑफ इनकम. जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पैसे दे रहे हैं, डेट होल्डर्स पैसे दे रहे हैं, ठीक है, और समझो इक्विटी भी है, इक्विटी वाले भी पैसे लगा रहे हैं. अब एवरेज का मतलब क्या है? तीनों ने जो पैसे लगाए उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दो. ठीक है, इट मींस पर पर्सन को हमें कितना देना पड़ रहा है, उसकी पर्टिकुलर कॉस्ट कितनी है, दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं ना, वही समझ लीजिए इसके अंदर. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यहाँ पर मतलब है कि अगर हम इतना तो यहाँ पर हो गया, कभी सम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, तो आपको पता लगेगा एडजस्टमेंट में लिखा होता है न्यू इन्वेस्टमेंट इज डन. इस तरीके से इट मींस जब आप हटकर कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई नया एक्सपेंशन करते हैं, तो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं मार्जिनल. एवरेज का मतलब जितना ऑलरेडी है उसको डिवाइड कर दो जितने सोर्सेज हैं आपके पास. और मार्जिनल का मतलब है कुछ नया एक्सपेंशन कर रहे हैं, कोई नया एडवेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, की उस पर आपके कितने पैसे लग रहे हैं. उसके बाद आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है हम जो बाहर वालों आउटसाइडर्स को पैसा देते हैं, आउटसाइडर्स को जो हम पैसा देते हैं, लाइक डिबेंचर होल्डर आउटसाइडर्स हो गए ना 10%. सो उनको जो ये अमाउंट देना है दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट.
ठीक है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे यहाँ, रिजर्व एंड सरप्लसेस भी जिसे बोल देते हैं, रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं ना, बचे हुए पैसे जो होते हैं आपके घर के पैसे होते हैं, आपने सेविंग्स जैसे करी हुई है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट बाहर वालों का पैसा, इम्प्लिसिट कॉस्ट अंदर वालों का पैसा, तो रिटेन्ड अर्निंग्स ये सब आ जाता है इसमें। उसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो मतलब ऑलरेडी आपने लगा चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले मैंने एसी खरीदा हो, इट मींस वो हिस्टोरिकल कॉस्ट हो चुकी है, 2 साल पहले खरीदा था, 2 ईयर्स बैक। फ्यूचर कॉस्ट मतलब जो हमने आने वाले टाइम पर करनी है, ठीक है, उसको भी कई बार हम देख लेते हैं पास्ट ईयर को देखते हुए, हाँ यार फ्यूचर में ये मशीनरी लेने की जरूरत पड़ेगी, ये वाली टेक्नोलॉजी लेने की जरूरत पड़ेगी, उसको भी हम एस्टिमेट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड। तो हमने कई बार रेस करने होते हैं फंड्स फ्यूचर के लिए, उसको हम एस्टिमेट करके रखते हैं, डिबेंचर वालों को इतना पैसा देंगे, इतना उनसे पैसा लेंगे तो उनको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतनी डिमांड है उनकी, सो ये हो जाता है फ्यूचर कॉस्ट। उसके बाद स्पेसिफिक कॉस्ट, जिसको कि इंक्लूसिव भी बोलते हैं, और कंबाइंड वाले को क्या बोलते हैं, कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पेपर में पूछा गया था कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, एक बार क्वेश्चन आया था। स्पेसिफिक कॉस्ट का मतलब है जब मैं एक पर्टिकुलर फंड के बारे में बात करूं, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी की बात कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कॉस्ट। लेकिन जब डिबेंचर भी आ गया, इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया, सबका मिक्सचर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कॉस्ट इज नोन एज कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कंबाइंड कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, अब बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, टैक्स से पहले कौन कौन सी चीजें डिडक्ट हो जाती हैं आपको पता होना चाहिए, लाइक डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हम माइनस करवा लेते हैं, ये सारी चीजें। तो आफ्टर टैक्स के बाद हम क्या लेते हैं, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कौन से लेते हैं, जैसे हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड जो देना है वो टैक्स काटने के बाद आता है, इक्विटी वालों को जो अमाउंट देना है वो लास्ट में देते हैं, सो इक्विटी और प्रेफरेंस आ जाते हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, और डेट हो गया, लोन हो गया, उनको जो इंटरेस्ट देते हैं वो हो जाता है बिफोर टैक्स में, पता है ना आपको सारा ये। उसके बाद ये जो फॉर्मूलाज हैं इसको हम देख लेते हैं। अगर तो बिफोर अब डेट है, इसका मतलब है टैक्स कटता है ना डेट वालों में, तो ये इसके हमारे टाइप्स हो जाते हैं, एक बिफोर टैक्स, एक आफ्टर टैक्स, और दूसरी क्या हमारे पास टाइप हो जाती है, एक रिडीमेबल और इररिडीमेबल वाले भी। तो पहले बिफोर और आफ्टर को देखते हैं। बिफोर टैक्स, अगर टैक्स नहीं कटा अभी, दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एनपी। अब एनपी क्या होता है, एनपी होता है नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स हम कैसे निकालते हैं, एक हमें फेस वैल्यू गिवन होती है, फेस वैल्यू इज लाइक 10, 100 किसी शेयर्स की, उसमें अगर आप शेयर्स को प्रीमियम में इशू कर रहे हो तो उसमें प्रीमियम ऐड हो जाता है, अगर आप उसे डिस्काउंट काट कर दे रहे हो तो डिस्काउंट माइनस हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है, चार्जेस है, लाइक ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो जाती है, उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट सब ये बोल देते हैं, वो भी माइनस हो जाता है। सो कैसे निकलता है नेट प्रोसीड्स हमारा, निकलता है फेस वैल्यू में से, जब हम प्रीमियम माइनस कर देते, सॉरी प्रीमियम ऐड कर देते हैं, अगर प्रीमियम है डिस्काउंट काट देंगे, अगर डिस्काउंट है और फ्लोटेशन चार्जेस भी काट देंगे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जिसको बोल सकते हैं वो भी हम माइनस कर देंगे, तब हमारा ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो यहाँ पर आई के साथ कुछ नहीं लगा था, अब आई के साथ 1 माइनस टी लग जाता है। वेट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। देखो ध्यान से समझो इस चीज को, अगर समझो टैक्स 40% है, 40% है, तो 1 माइनस 40% कितना हो जाएगा, 0.6। सो इंटरेस्ट के साथ 0.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे नेट प्रोसीड्स आपको समझा ही दिया कैसे करना है। तो ये हो गए हमारे कौन से, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। अब इसके बाद हमने देखना है हमारा रिडीमेबल डेट और इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब हमें नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो गिवन है,
हमें पता है 10 सालों के लिए डिबेंचर्स इशू करे हैं, 15 सालों के लिए करे हैं, तो इसमें ये इंटरेस्ट हो जाता है अपॉन 1 माइनस n, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। रिडीमेबल वैल्यू वही होती है जो 100 है या इस तरीके से, और नेट प्रोसीड्स में सारी की सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है किसमें एडजस्टमेंट्स होती है, और नीचे आरवी रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं हम, ठीक है। इट्स लाइक इंटरेस्ट प्लस 1 अपॉन n आरवी माइनस एनपी अपॉन आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाता है बिफोर टैक्स, आई मीन टू से रिडीमेबल। और अगर यहां पर क्या था, बिफोर टैक्स वाला था, अब ये हमारे पास आफ्टर टैक्स वाला है। आफ्टर टैक्स है तो सीधा क्या लग जाएगा, 1 माइनस t लग जाएगा, इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, अभी यहाँ पर इतना नहीं वो देना है। अब प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे, अगर डिबेंचर होल्डर्स वालों को इंटरेस्ट मिलता है तो प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड मिल जाएगा, सो डी अपॉन एनपी आ जाएगा हमारा, ठीक है, रिविजन हो रही है आपकी। उसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में देखे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होते हैं 1 अपॉन n आरबी माइनस एनपी आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, अगेन वही चीज है सारी जो हमने पहले करी थी डिबेंचर्स के केस में। अब इक्विटी, इक्विटी के बहुत सारे मेथड्स है वो समझेंगे। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड अप्रोच, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस भी आ जाता है इसमें, या नेट प्रोसीड्स, व्हिच एवर इज गिवन। और उसके अलावा अगर ग्रोथ मॉडल गिवन है तो पहले तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, एनपी एन मल्टीप्लाई बाय 100, जो आंसर आएगा उसमें ग्रोथ को, ग्रोथ की परसेंटेज को भी ऐड कर देंगे। और ग्रोथ कैसे निकालते हैं हम, रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय रिटेंशन रेशियो, ये रेट ऑफ रिटर्न होता है, ये रिटेंशन, रिटेन कितना कर रहे हैं उसकी रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है। और ये तो था हमारे पास कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, अगर हमारे पास सुपर नॉर्मल ग्रोथ आ जाए तो क्या करना है, तो हमने क्या करना है वो आपको समझाती हूँ, पहले इतना साथ साथ आप टेस्ट करें। और अगर स्पीड हमारी फास्ट लग रही है तो व्हाट यू कैन डू, आप इसको आराम से स्लोली स्लोली करके भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करें इसको। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में देखिए क्या किया हुआ है, इसको समझाती हूँ मैं आपको। पहले सबसे पहले क्या लिया हुआ, मैं इसको, इसके लिए खाली पेज ले लूं, वेट अ सेकेंड, कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर लिखवा लेती हूँ, सॉरी, कैपिटलाइजेशन के चैप्टर के नीचे करवा रही हूँ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला। देखो जीरो आपको पता ना क्या होता है, ये वाला साल, और अगर वन लिखा है मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ये एंड ऑफ द ईयर। सो डिविडेंड भी, ये ग्रोथ अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता सुपर नॉर्मल का। तो ये क्लियर हो गया। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ईपीएस अगर है तो अर्निंग पर शेयर निकाली होगी अपॉन एमपी और एनपी मल्टीप्लाई बाय 100, और अभी ये रियलाइज्ड यील्ड वाला ये भी इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। ये हमारे कौन सा है मेथड, हमारा ईपीएस वाला हमने निकाल लिया। अब रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में क्या हम लेते हैं, देखिए ध्यान से, इसको भी समझा देती हूँ उस पेज में, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर कैपिटलाइजेशन वाला, तो उसको ध्यान से समझिएगा, ओके, क्योंकि इसमें सबको समझाना है वाटर कैपिटल क्या होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। सो यील्ड का देखे, डीटी प्लस पीटी अपॉन पीटी माइनस, अब देखिए क्या है ये भी, ये हमारा रियलाइज्ड यील्ड, यील्ड मतलब आउटपुट, रियलाइज जो हमने निकालना है, ये डिविडेंड है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड वाला, ये जो माइनस वन जहां पर लिखा होता है इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और पी का मतलब प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जगह प्राइस ऑफ इक्विटी लिख दिया, और कुछ खास डिफरेंस नहीं है,
price of equity share at the beginning of year. And again ये भी beginning of year के बारे में divide किया हुआ है. यहाँ से हमारा realized yield निकल जाता है. उसके बाद हमारा है bond yield plus premium approach. इसमें हमारा अगेन रिटेंशन रेशियो और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको आर बी. आर बी स्टैंड फॉर बॉन्ड्स ऑफ द फर्म और पी पी है प्रीमियम. पी फॉर प्रीमियम तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर रिस्क साथ में जुड़ा हो. सो इसका मतलब क्या है प्लस ए प्लस के साथ लिख लीजिए रिस्क प्रीमियम अप्रोच. रिस्क भी डाल दीजिए रिस्क प्रीमियम अप्रोच. कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर अंडर बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच. ठीक है रिस्क प्रीमियम साथ में जुड़ जाएगा. इसके अलावा हमारा क्या है देखो एक और चीज रह जाती है ये रिटेन्ड अर्निंग्स भी ध्यान से देखें. रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे आप निकाल सकते हैं इसको यहाँ पे लिखवा देती हूँ. इसके अलावा आपको रिटेन्ड अर्निंग्स ये भी पेपर में आ सकता है. रिटेन्ड अर्निंग्स विल बी लाइक वेट अ सेकेंड 1 - T और 1 - B. ठीक है बी हो जाता है ब्रोकरेज टी हो जाता है टैक्स. रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी वालों पे मिलती है ना. ठीक है सो ये ध्यान रखना ई है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से जब टैक्स माइनस कर देंगे ब्रोकरेज या ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस कर देंगे. ठीक है सो हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड हो जाता है. फिर कैपम मॉडल है. कैपम मॉडल को एक अलग क्लास में समझाऊंगी. सो अभी इसको इग्नोर कर सकते हो कैपम मॉडल को. और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता ही है आप सबको. सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये फॉर्मूला है. सो गाइस कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बेसिकली फॉर्मूला पूछा जाएगा या टाइप्स ऑफ कॉस्ट पूछी जाएंगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन. आई होप आपको इसके की पॉइंट पता लग गए हैं. नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन का चैप्टर करेंगे. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग.